क्या तैयारियां हैं सर आज नहीं, की सब काउंटिंग तैयारी आप की? देख रहे हैं, पूरी काउंटिंग की पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कल शाम को हमने देख लिया था, अभी मॉर्निंग में जो एजेंट्स को है, पहले राउंड के एजेंट्स को अभी एंट्री कर रहे हैं, दूसरे राउंड के एजेंट्स को 11 बजे बाद देंगे। जो 1 से 5 अभी हर बूथ हर वार्ड के पहले 5 वार्डों को अभी एंट्री दे रहे हैं एजेंट्स को, उसके बाद में 11 बजे दूसरों को। सर एजेंटों की भीड़ बहुत है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। अब जो भीड़ है उसमें आप देख ही रहे हो कि काफ़ी लंबे में है, लाइन लगा रखी है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो ये है कलेक्टर इंदर सिंह नेहरा, उन्होंने भी मुझे लगता है कि भीड़ को देखकर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है उसमें तो हम क्या करें, लेकिन इंतजाम नहीं है उनके पास, प्लानिंग नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर प्लानिंग होती तो इस तरह की भीड़ नहीं होती। विजेंद्र, मैं एक बार फिर आपको वही लेकर जाऊंगा, वही तस्वीरें दिखाऊंगा जो जिम्मेदारों की नींद तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। कहाँ हैं गाइडलाइंस, कहाँ पर है धारा 144, कहाँ पर है सोशल डिस्टेंसिंग? अगर इस तरीके से लोग सट कर खड़े होंगे तो मुझे लगता है नतीजों से पहले कोरोना आ जाएगा। देखिए आप, देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। और ये अगर आप और थोड़ा सा आगे आएंगे, मैं थोड़ा सा और आगे आऊँगा, तो आप देखेंगे कि बहुत बुरी स्थिति है। देखिए आप, कोई कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं है। धारा 144 के बीच में देखिए आप किस तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका मजाक उड़ रहा है। और इसी तरीके से तस्वीरें आती रही तो नतीजों से पहले कोरोना आ जाएगा। देखिए आप, देखिए किस तरीके की यहाँ पर बदइंतजामी है, बहुत धक्का मुक्की की स्थिति है। और ऐसे समय में जब लोगों को 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, किसी एंगल से कोई दूरी आपको नज़र नहीं आ रही होगी तस्वीरों में। और ये तस्वीरें जिम्मेदारों की आँख खोलने के लिए काफ़ी हैं। कलेक्टर साहब से मैंने पूछा था अभी जब वो गाड़ी में थे, वो बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको रोका। और जब मैंने कहा कि सर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा इतनी भीड़ हम कर क्या सकते। देखिए विजेंद्र, तस्वीरें देखिए आप जी। विजेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरें देखने के साथ ही अभी पता चल रहा है कि किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ना अपनी जिंदगी की और ना बाकियों की जिंदगी की। सवाल मेरा आपसे यह है कि इतने पोलिंग एजेंट वहां पर पहुंचे हैं, तो जरा ये जानकारी दीजिए कि एक वार्ड में एक प्रत्याशी के लिए कितने पोलिंग एजेंट है? कुल 250 ही तो वार्ड है, ये तो हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं। देखिए उसका आप समझिए विजेंद्र, 250 वार्ड जरूर है, लेकिन एक वार्ड में कम से कम औसत अगर आप मान के चले तो एक वार्ड में औसत कम से कम 4 से 5 प्रत्याशी हैं। और अगर एक प्रत्याशी का एक बंदा भी अंदर जाएगा तो आप अंदाजा लगा लिए कि कितने पोलिंग एजेंट हो गए। तो या तो मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतर तरीका जो मुझे दिखता है कि क्या अपन कर सकते थे, तो वो मुझे लगता है यही था कि जल्दी इन लोगों को एंट्री शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर एक साथ आप एंट्री दोगे तो फिर तो आलम यही होगा। और ये बात भी आप सही कह रहे थे कि जब तक एजेंट अंदर पहुंच जाएंगे तब तक हो सकता है कुछ वार्डों के नतीजे भी आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदइंतजामी है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएँ हैं, और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनकी फिलहाल कहीं पालना नहीं हो रही। लेकिन फिर अपन नतीजों पर लौटेंगे। 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सबकी नज़र टिकी हुई है कि 2 नगर निगम बने हैं जयपुर में, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज। जयपुर हेरिटेज जहाँ पर 100 वार्ड हैं, जयपुर ग्रेटर जहाँ पर 150 वार्ड हैं। दोनों पार्टियों ने जीत के दावे किए हैं, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान ऐसा है कि कांग्रेस को जयपुर हेरिटेज में बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा जो है वो ग्रेटर में अपना दबदबा दिखा सकती है। बीजेपी ने बाड़ेबंदी भी कर दी है, कांग्रेस अभी बाड़ेबंदी से दूर है, लेकिन 1-2 घंटे में तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगी। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं विजेंद्र कि जो नतीजे आएंगे, चाहे वो जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, खासकर बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं, अगर नतीजे उनके फेवर में रहे तो वो कह सकते हैं कि ये सरकार के अब तक के काम का रेफरेंडम है। जिस तरीके से सरकार ने 2 साल तक काम किया है उसको देखकर लोगों ने वोट किए हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जाहिर तौर पर जब नतीजे आना शुरू होंगे तब उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन अगले लेकिन शिवेंद्र आपने अच्छी लाइन कही कि नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लगता है कोरोना आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि हर एक वार्ड से 5 से 6 पोलिंग एजेंट यहां पर पहुंचे हैं, एजेंट पहुंचे हैं। अब जरा सोचिए, एक भी कोरोना पॉजिटिव तो जयपुर के हर वार्ड तक कोरोना पहुंचा दिया जाएगा। फिर क्या फायदा हुआ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट कराने का? फिर क्या फायदा हुआ बड़े बड़े पोस्टर अभियान चलाने का? फिर क्या फायदा हुआ कि ये बताने का कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए? तस्वीरें आपने दिखाई, गेट के अंदर जो जा रहे हैं किसी को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा, यहां तक कि सैनिटाइज टनल तक नहीं बनाई गई है। चिंता
यही चिंता थी विजेंदर, यही चिंता थी कि कोरोना काल में अगर आप चुनाव कराएंगे तो कहीं इस तरीके के नतीजे तो नहीं आएंगे कि कोरोना जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। क्योंकि आप दावे कितने भी कर लें, हम सभी जानते हैं कि चुनावों में कोरोना की गाइडलाइंस की पालना कराना बहुत मुश्किल है, खासकर ऐसी स्थिति में जब नगर निगम एक की जगह दो हों, बाढ़ 91 से बढ़कर, जब जयपुर में दो नगर निगम नहीं बने थे तो 91 में बाढ़ थे, लेकिन अब तो जयपुर में 250 बाढ़ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, चाहे प्रत्याशी हों, एजेंट हों, समर्थक हों, नेता हों, तो जाहिर तौर पर संख्या तो बढ़ेगी। तो आशंका यही थी कि अगर इस अवधि में चुनाव होगा तो कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाएगी। और आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो सकती, देखना चाहिए, खासकर उन लोगों को देखना चाहिए जो रोज जोर देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क लगाइए। आखिर ऐसी तस्वीरें राजधानी में आएंगी, JLN मार्ग से आएंगी, जो जयपुर का सबसे VIP मार्ग है, तो फिर ऐसा लगेगा कि ये सब बातें कागजी हैं, ग्राउंड पर कम से कम कोरोना की गाइडलाइंस की कोई पालना नहीं हो रही। क्योंकि ठीक है, शहरी सरकार चुननी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जिस महामारी से लड़ रहे हैं, बीते 6-8 महीने से जिस बीमारी से जीतने का संघर्ष आपका चल रहा है, अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी तो चुनाव से पहले आप वहाँ हार जाएंगे, नतीजों से पहले वहाँ आपकी हार होगी, क्योंकि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखा है, उनकी नाक से नीचे मास्क है, सट कर खड़े हुए हैं, और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लाचार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खुद कलेक्टर ने कहा कि जब इतनी भीड़ होगी तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो आप देखिए तस्वीरें, और जो शिवेंद्र, ये तो कलेक्टर साहब को पता होगा कि इतनी भीड़ होगी, ऐसा थोड़ी ना उनको नहीं पता होगा कि एजेंट अंदर नहीं जाएंगे, उनको थोड़ी ना पता होगा कि एक वार्ड के लिए 5 से 6 एजेंट आएंगे, ये तो सब पहले से पता होगा। कि सब पहले से पता था, मैं कह रहा हूँ सब पहले से पता था, बेहतर होता कि कुछ अच्छी अच्छी सोच के साथ प्लानिंग करते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइन में आकर हमको कह रहे हैं बार बार कि साहब हमको तो अंदर प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा, हम तो चीफ एजेंट है, जब हम अंदर ही नहीं जाएंगे तो वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी, बताइए, कुछ कह रहे हैं सर आप, बताइए। जो कैंडिडेट का चीफ इलेक्शन एजेंट है उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, ऐसा कार्ड दिया नहीं उन्होंने, और दूसरा कार्ड नंबर आएगा ना अभी बहुत दूर, नहीं जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, देखिए आप अधिकारी को मना कर दिया कि साहब इस पे आप जा ही नहीं सकते अंदर, प्रत्येक प्रत्याशी का इलेक्शन एजेंट निर्वाचित जो प्रत्यर्थी है, मेन एजेंट होता है, मेन एजेंट उसी को नहीं जाने दे रहे, तो उसके सबॉर्डिनेट पोलिंग एजेंट्स क्या कर पाएंगे। देखिए तो ये शिकायत भी आने लगी है कि लोगों को प्रवेश नहीं मिलने दिया जा रहा। तो कुल मिलाकर जो मतगणना शुरू होनी है उससे पहले विजेंदर सिर्फ और सिर्फ बदइंतजामी नजर आ रही है, अव्यवस्था नजर आ रही है। देखिए आप ऐसी लाइनें, तो भाई मैंने तो राशन की दुकानों पे भी नहीं देखी कि इतने लोग खड़े हों, देखिए देखिए आप, ना मैंने वोटिंग के बाहर ऐसी लाइन देखी। तो और इसका एक रीज़न ये भी है विजेंदर कि ये जो लाइन है इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइना चमकाने के लिए आते हैं, अंदर जो प्रक्रिया होती है उसको देखने की उत्सुकता होती है कि कैसे EVM खुलती है, कैसे वोटों की गिनती शुरू होती है। तो ये सही है कि या तो इस भीड़ को कम किया जा सकता था, कोई ऐसा नियम बनाते कि इतने लोग पहुँचे ही नहीं, देखिए अब यहाँ तक लाइन है, यानी जो मुख्य द्वार है उससे तकरीबन 400 मीटर तक जो लोगों की लाइन है वो लगी हुई है। और यहाँ ठीक है थोड़ा सा इधर फिर भी हल्की सी दूरी है लोगों के बीच, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है, लेकिन गेट के पास जो लोगों का अंबार है